आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 260वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर जो असंतोष उबल रहा है, कौन भड़का रहा है कांग्रेस के अंदर असंतोष की ज्वाला को। कांग्रेस नेतृत्व को चाटुकारों को दूर करना होगा और सच्चे कांग्रेसियों को तरजीह देना होगा, तभी कांग्रेस एक बार फिर पुराने रसूख को प्राप्त कर सकती है। लिमटी की लालटेन के 260वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगभग 137 साल पुरानी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही है। एक के बाद एक करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी से किनारा करते जा रहे हैं। कांग्रेस अब महज 2 प्रदेशों में सिमट कर रह गई है, कहां पूरे देश पर लगभग 49 साल 49 ईयर्स कांग्रेस के द्वारा देश पर राज किया गया है। कांग्रेस का प्रदर्शन धीरे धीरे इस तरह का हो रहा है जिसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस का सूर्य अब अस्ताचल की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर इतिहास आप खंगालें तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी जैसे 8 राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष देश को दिए हैं। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में 7 प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। कितनी गौरव की बात है। कांग्रेस का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। 70 के दशक में कांग्रेस में एक बार फूट पड़ती हुई प्रतीत हुई थी, तब कांग्रेस अर्श का गठन किया गया था। इसके बाद एक तिवारी कांग्रेस, अर्जुन सिंह के द्वारा तिवारी कांग्रेस का गठन किया गया था, पर कांग्रेस की स्थिति कभी भी इतनी दयनीय नहीं रही है जितनी वर्तमान में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता एक एक कर कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। इससे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि कांग्रेस आला कमान के द्वारा पार्टी के अंदर लगातार हो रहे इस तरह के छलन को रोकने की दिशा में किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक के बाद एक नेता कांग्रेस से जाते जा रहे हैं, पर कांग्रेस आला कमान के द्वारा न इस बारे में चर्चा की जा रही है, ना ही उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ना ही कांग्रेस के अंदर चल रहे इस तरह के छलन को रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया। हाल ही में राज्यसभा चुनावों के दौरान टिकट वितरण में कांग्रेस में अंदर ही अंदर असंतोष का लावा खदबदाता हुआ दिख रहा है। इस लावे को कांग्रेस के अंदर ही बैठे जयचंदों द्वारा आग में घी डालने की कहावत को चरितार्थ करते हुए जमकर भड़काया भी जा रहा है। लोग तो यह कहने लगे हैं कि आने वाले समय में एक G20 अगर जन्म ले ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह हम आपको बता दें कि G20 उन असंतुष्ट नेताओं के समूह गुट को कहा जाता है जिनके द्वारा पार्टी हाईकमान की गलत नीतियों का विरोध करके सवालिया निशान लगाए जाते थे, बड़ा मुखर विरोध होता था। G20 के सदस्य रहे कपिल सिब्बल और जतिन प्रसाद, ये दोनों पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का ट्वीट भी मायने रखता है जो उनके द्वारा राज्यसभा की सूची जारी होते के थोड़ी देर बाद ही किया गया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है। अब इसके बहुत गहरे निहितार्थ भी हो सकते हैं। देखा जाए तो राज्यसभा में किसे भेजना है, किसे नहीं भेजना है, ये पार्टी आला कमान का नितांत निजी मामला और विवेक पर ही निर्भर करता है, उनका निजी मामला हो सकता है। पर जिन नेताओं को राज्यसभा भेजने की सूची कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है, उनके द्वारा कांग्रेस संगठन को मजबूती देने, कांग्रेस संगठन के विकास आदि में
क्या योगदान दिया गया है इसके बारे में अगर रेखांकित पार्टी आलाकमान के द्वारा कर दिया जाता तो कार्यकर्ताओं में बढ़ रहे असंतोष को काफी हद तक थामा जा सकता है। कांग्रेस के अंदर खाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर के अनुसार राज्यसभा के मनोनयन के लिए नेताओं के नामों की घोषणा से एक संदेश ये भी जाता हुआ दिख रहा है कि कांग्रेस के हाई कमान को, कांग्रेस के आला कमान को कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद लिए गए फैसलों से ज्यादा इत्तेफाक शायद नहीं है। ये बात भी छन छन कर कांग्रेस के अंदर खाने से बाहर निकल कर आ रही है। खबरों के अनुसार अगर इन फैसलों पर अमल नहीं करना है तो इतना तामझाम कर चिंतन शिविर आयोजित करने का औचित्य आखिर क्या है। टिकट वितरण से नाराज अनेक नेताओं ने अपनी नाराजगी का इजहार पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर भी किया है। जो नेता लोकसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं उन नेताओं को राज्यसभा के जरिए संसद में भेजने की क्या जरूरत थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये भी लगाया जा सकता है पार्टी में गणेश परिक्रमा करने वालों की पूछ परख बहुत ज्यादा है। योग्य नेताओं को पार्टी आलाकमान के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है ये एक संदेश भी इससे जा सकता है। कांग्रेस के अंदर ये चर्चा भी चल रही है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब विरोध करने वालों, चाहे वो विरोध सही बात के आधार पर हो रहा हो, सही बात अगर कहते हुए विरोध हो रहा हो, उन लोगों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आसपास फटकने भी नहीं देना चाहता है। एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के आलाकमान के आसपास घूमने वाला बड़ा वर्ग जो यस मैन होगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, उसे ही तवज्जो दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला प्रकरण कांग्रेस के लिए किसी बड़े सबक से कम नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा हैं, उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, उनके फॉलोअर्स बहुत जबरदस्त हैं। इस लिहाज से सिंधिया का कांग्रेस को अलविदा कहना वास्तव में कांग्रेस के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। वह भी तब जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। इसी तरह हाल ही में प्रशांत किशोर और हार्दिक पटेल के द्वारा कांग्रेस से नाता तोड़ना भी एक संदेश के रूप में लिया जा सकता है। जाहिर है कांग्रेस आलाकमान के सलाहकार ही उन्हें अंधेरे में रख रहे हैं। कहा जाता है कि आपको अगर नीला चश्मा लगाया जाएगा तो सारी दुनिया नीली दिखेगी, लाल चश्मा लगा दिया जाएगा तो सारी दुनिया लाल दिखेगी, हरा चश्मा लगा दिया जाएगा तो सारी दुनिया हरी दिखेगी। कांग्रेस आलाकमान के सलाहकार चश्मा गलत लगा रहे हैं अपने नेताओं को। इस तरह एक के बाद एक नुकसान होता जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए भी कुछ करता नजर नहीं आता। कांग्रेस में मंथन शिविर तो होते हैं पर इसके लिए इस शिविरों में लिए गए फैसलों पर अमल हो रहा है अथवा नहीं ये कौन देखेगा? आम जनता तो नहीं देखेगी, कांग्रेस के आला कमान को ही देखना है। हैरत की बात तो ये है कि कांग्रेस हाई कमान ऐसे नुकसान को रोकने के लिए कुछ करता नजर नहीं आता। कांग्रेस मंथन तो हर बार करती है, लंबे लंबे विचार विमर्श होते हैं, शिविर होते हैं इसके, मगर इसमें निकले निष्कर्षों पर कोई अमल नहीं होता है। यक्ष प्रश्न आज भी यही खड़ा हुआ है कि कांग्रेस की विचारधारा से आम लोगों को कैसे जोड़ा जाए। इसलिए जरूरी ये है कि पहले पार्टी के नेता कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात करें, अंदर उसको धारण करें। लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास कैसे पैदा होगा ये विचार पार्टी आलाकमान को ही करना है। पार्टी के नेता जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे कांग्रेस का नुकसान होता है, पर कांग्रेस आलाकमान इस तरीके की बयानबाजी रोकने के लिए आज तक उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। पार्टी चलाने के लिए नए अध्यक्ष को चुनने की बात लगातार होती आई है पर
अंत में घूम फिर कर पार्टी आलाकमान के चहेते अध्यक्ष चुनने के मामले को भी नेहरू गांधी परिवार की तहरी पर ही लाकर छोड़ देते हैं। ऐसे में कांग्रेस को संजीवनी भला कैसे मिल पाएगी, विचारणीय प्रश्न ये है। लिमटी की लालटेन के 260वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो और आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे शनिवार एवं रविवार को यह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोज, रोचक जानकारियां, वन्य जीवों के संबंध में जानकारियां आदि पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि आपको ये सब कैसे लग रहे हैं। लिमटी की लालटेन के 260वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 261वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।